राम राम भाइयों, अपने सभी रियल इस्टेट में वर्किंग जितने भी भाई है सबको राम राम भाई। भाइयों, अभी काम करते करते मन में एक ख्याल आया, क्यों ना आज हम अपने भाइयों से बात करें। भाइयों, आज इतनी महंग रियल इस्टेट से जुड़ी बातें अब हम करने जा रहे हैं, बिकॉज इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि एक्सपेंस को बियर करना बड़ा मुश्किल हो गया हर किसी के लिए। भाई, हम सबका तो है रियल इस्टेट का काम, जब एक थोड़ा सा 10-20 पैसे 50 पैसे पेट्रोल के रेट बढ़ जाते हैं तो हर चीजों के रेट में महंगाई आ जाती है, गाड़ियों के फेयर में, बाजार में, कुछ भी है, बला 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 जो भी चीजें लेके चले। तो आज सबसे पीछे हमारे जितने भी रियल इस्टेट एजेंट्स हैं वो पिछड़ते जा रहे हैं, और ये पिछड़ते क्यों जा रहे हैं, अपनी खुद की कमजोरी के पीछे हम आज सबसे बैकफुट पर जा रहे हैं भाइयों। तो क्यों ना हम इसके लिए कुछ कदम उठाए, और पिछड़ने का मेन रीजन ये है कि हम अपने जेन्युइन जो ब्रोकरेज रेट है उससे डाउनफॉल कर रहे हैं उसे, और इससे हजारों रियल इस्टेट एजेंट्स भाइयों को नुकसान हो रहा है। ये नहीं कहता कि सभी ऐसा करते हैं, लेकिन ये वो कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो वही बात है कि ऐसे हम एक 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 भाई करके, क्योंकि आज जब ये क्लाइंट्स, परचेजर, टेनेंट्स जो भी आते हैं उन लोगों तक ये बात देखो कितनी फैल जाती है, वो अपनी बातों को ऐसे फैला देते हैं जो भी लेने वाले होते हैं कि मैंने तो इस ब्रोकर से ना ऐसे बार्गेनिंग करके इसको 15 डेज की कमीशन के लिए मना लिया, उसको 7 डेज के लिए मना लिया, या मैंने तो बोल दिया था भाई मैं नहीं दूंगा, और हम इतने कमजोर कि हम उनकी बातों में आके डील करने पे मजबूर हो जाते हैं, कहीं मेरे हाथ से डील ना निकल जाए, कहीं साइड बैठा डीलर ना कर ले डील, और भाई ना कमा ले कहीं, उस चक्रों में हम अपने ही पैरों पे कुलाड़ी मार रहे हैं। भाई, वो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं तो हम ब्लैकमेल क्यों होते हैं, अपनी कमजोरी के कारण हो रहे हैं आज हम। देखिए, वीडियो को मैं ज्यादा बड़ा ना बनाते हुए बस यही कहूंगा कि सबसे ज्यादा नेगोशिएशन ब्रोकरेज में होती है। करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, रेंट पे ले लेंगे लाखों की प्रॉपर्टियां 5-5, 10-10 लाख रुपए में, और डील को कहाँ पे उलझाते हैं कि जी मैं इतना मोटा ब्रोकरेज दे रहा हूँ, सेलर भी ऐसे कहता है, बायर भी ऐसे कहते हैं। भाई क्यों दे रहे हो, आप लोगों को हम सिक्योरिटी नहीं दे रहे क्या साथ चल के, आप लोगों को कि डील को परफेक्ट तरीके से नहीं कराते क्या, ऐसे थोड़ी ना दे रहे हो। फिर कहते हैं हम, क्या आप लोगों ने कस्सी चलाई, भाई क्यों चलाएं कस्सी, हमारा प्रोफेशन है, हमारा काम है। तो इस तरीके से वो बोलते हैं, फला डीलर ने मेरे से इतना 10 दिन का लिया था, 15 दिन का लिया था। तो भाइयों, इस तरफ हम एक आज दिल से हम सब मिलकर क्यों ना आगे बढ़ने की कोशिश करें, और जितने भी इस तरीके के क्लाइंट आते हैं उनको भी एक लेसन मिलेगा, एक पाठ मिलेगा कि ये सारे इन सारे लोगों में कितनी एकता हो गई है। यूनियन इज स्ट्रेंथ ऐसे ही नहीं कहा जाता, एकता में बल है। तो भाइयों, कोई भी क्लाइंट आए, अगर हम उनके साथ रेजिडेंशियल में डील करते हैं तो 15 दिन की जेन्युइन रखो, नहीं तो वन मंथ की हमारी ब्रोकरेज होनी चाहिए थी, और कोई भी कमर्शियल वगैरह की कोई भी रेंट की डील करते हैं तो 1 मंथ का जेन्युइन ब्रोकरेज होता है हमारा, उससे नीचे कोई भी भाई डील ना करे, ये मत सोचे कि मेरे हाथ से डील निकल जाएगी, ये एक चेन है। अगर हमारे से कोई क्लाइंट जाएगा तो वो दूसरे भाई को जाएगा, उसको तो प्रॉफिट होगा भाई, इसी तरीके से उस भाई का भी पास कोई क्लाइंट जाएगा तो वो जेन्युइन ब्रोकरेज की डिमांड करेगा, तो उसी तरीके से हमारे पास भी कोई क्लाइंट आएंगे। तो भाइयों, इस और क्यों ना हमें एक कदम आगे बढ़ाएं,
तो इससे हमारे सारे रियल इस्टेट भाइयों को फायदा होगा, सबके घर परिवार हैं, उनके बच्चों को कोई फ्री नहीं पढ़ाता, कोई सस्ती चीज़ें नहीं देता। आज हम सबसे ज़्यादा पीछे इसीलिए होते जा रहे हैं कि हम लोगों में एकता नहीं है। तो अपने जेन्युइन रेट रखे, अगर सेल करते हैं कोई प्रॉपर्टी तो 1% से नीचे नहीं होना चाहिए, चाहे कोई क्लाइंट कितना भी हमें ब्लैकमेल करे कि फला डीलर ये लेता है वो लेता है, ये अपने एक ज़मीर के अंदर की बात होगी। तो भाइयों चलो आज हम एक साथ मिलकर आगे चलते हैं और कोशिश करेंगे कि इसे आगे भी फ्यूचर में कंटिन्यू रखेंगे। इससे हम सभी को फायदा होगा। आप सभी भाइयों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम भाइयों। पहली बोल।